आखिर भारत में लाए गए चीते मर क्यों रहे हैं? 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद अफ्रीका के नामीबिया से भारत में चीतों को लाकर छोड़ दिया गया। साल 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया और इस साल साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया गया। यानी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आए कुल 20 चीते और फिर 4 चीतों का जन्म भारत के कूनो नेशनल पार्क में ही हुआ। लेकिन कुल 24 चीतों में से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 शावक भी है। एक्सपर्ट का कहना है कि जंगली चीतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इंसानों के नजदीक आने और पिंजड़ों में रहने की वजह से अक्सर चीते तनाव में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त कुल 7,000 चीते हैं, जिनमें से ज्यादातर चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में मौजूद है। वैसे चीतों के बारे में आपको एक खास बात बता दें कि गति पकड़ने के मामले में चीते स्पोर्ट्स कार से तेज होते हैं,